आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये दिवाली ग्लैम मेकअप लुक एंड मैंने बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस लुक क्रिएट किया है आप लोगों के लिए अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग और यहाँ पे मैंने इस मेकअप लुक के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज करा है उन सबके बाइलिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना सो बिफोर एनी लेट्स गेट आप लोग के लिए मैं ये न्यू मेकअप ब्रशेज जो कि मैंने अमेजोन से परचेज़ किया फकील और मैं इसे आज यूज़ करने वाली हूँ और मेरे से आ, प्राइमर की और कंसीलर की जो क्लिप है वो बाई मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गई तो मैं आपको बता देती हूँ प्राइमर के लिए मैंने लैकमे एप्सोल्यूट का ब्ल परफेक्ट प्राइमर यूज़ करा था देन उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है जीरो टू सेंट सेवर जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इस वर्कुलर के ब्रश से मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ ये बहुत अच्छा कंसीलर है देन उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है लॉरियल इन्फेलेबल का ट्वेंटी फोर आवर्स स्टे फाउंडेशन एंड इन दी शेड वन फोर जीरो गोल्डन बेज आ, इसको मैंने आ, टू से थ्री पंप ली है और डॉट डॉट करके मैं अपने पूरे फेस एंड नेक पे से अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ ये मेरे स्किन टोन से बिल्कुल परफेक्टली मैच होता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस फाउंडेशन है आपको बहुत अच्छी कवरेज देता है मुझे कभी भी किसी फंक्शन वगैरह में जाना है तो मैं इसी फाउंडेशन को यूज़ करती हूँ और इसे मैंने ब्लेंड करने के लिए लिया है ये पैक का ब्यूटी ब्लैंडर ये बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लैंडर है आप लोग ज़रूर ट्राई करना एंड ये बहुत ईजिली ब्लैंड हो जाता है मेरी स्किन में उसके बाद थोड़ा सा पिंक फेक्ट के लिए मैंने लिया है शुगर का ब्लश स्टिक इन दी शेड पिंक प्राइम जीरो टू ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं है बट ये काफ़ी नेचुरल लुक देता है तो मैं इसे अपनी चीक्स और अपनी नोज टिप पे इसे अप्लाई करके उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं इसको डाप डैप करके हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ एंड ये काफ़ी नेचुरल लगता है आ, ऐसा लगता है कि आप अंदर से ऐसे यू you नो know, आप ब्लश कर रही हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है वेटन वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट एंड इसमें आपको मिलते हैं टू शेड जिसमें कि हाफ शेड है ये बनाना वाला एंड हाफ जो शेड है वो है ये कॉन्टोर वाला इसी से ही मैं इसको अपने फेस को मैं इसे बेक कर रही हूँ मैंने यहाँ पे कोई भी अलग से कॉम्पैक्ट नहीं लिया है या फिर लूज पाउडर नहीं लिया है एंड ये काफ़ी अच्छा आ, मुझे लगता है ये पाउडर आप इसे ज़रूर ट्राई करना उसके बाद आईब्रोज़ के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड का अल्टीमेट आ, ब्रो किट ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट आ, ब्रो किट है काफ़ी अफोर्डेबल है एंड बहुत ही नेचुरल लुक देता है मैंने इससे आ, ये ब्राउन और ये आ, डार्क ब्राउन आ, कलर को मिक्स करके मैं इससे अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करती हूँ उसके बाद इसमें आपको एक आ, मिनी सा ब्रश भी मिल जाता है एंड काफ़ी नेचुरल आपको ये लुक देता है आप लोग जरूर ट्राई करना आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शेडो पैलेट इन दी शेड ज़ीरो सेवन एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल पैलेट है इसमें से मैंने सबसे पहले ब्लैक कलर लिया है और उसको मैं अपनी आईलेट में अप्लाई कर रही हूँ देन उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मैंने इसे बेस के लिए अप्लाई किया है बिकॉज uh, ये काफ़ी अच्छा बेस लगता है उसके बाद द सिटी मैनी मिनी पैलेट मेविलीन का लिया है मैंने एंड उसमें से मैंने ये रस्टी ऑरेंज शेड लेकर मैं इसको अपने क्रीज़ uh, लाइन पे uh, जहाँ मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया उसके ऊपर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ देन उसके बाद मैंने इसे ब्लैंड कर लिया है एंड आपको बहुत अच्छे से इसे ब्लैंड करना है बहुत स्मूदली ब्लैंड करना है उसके बाद लिया है मैंने ये फॉइल पिगमेंट स्विस ब्यूटी का लूज फॉइल पिगमेंट है इन दी शेड ब्ल्यू और ये ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फॉइल पिगमेंट्स है आप लोग ज़रूर ट्राई करना कितने ज़्यादा पिगमेंटेड है हाईली पिगमेंटेड है हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड आप लोग ज़रूर ट्राई करना मैंने इसको जस्ट पैड uh, करा है एंड उसके बाद मैंने इसको एक नीट क्लीन ब्रश से मैंने इसे हच्चा सा ब्लेंड uh, कर लिया है uh, काजल के लिए मैंने पे लिया है ये एलेटीन का काजल जो कि मेरा आजकल करंट फेवरेट काजल हो गया है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा काजल है उसके बाद मैंने लोअर वाटर लाइन के क्लोज़ क्लोज सेम इस जो मैंने फॉइल uh, पिगमेंट है इसी के ले इसी से लेकर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ जस्ट जस एंड मैं इस मच कर लिया है मशकारा के लिए मैंने यहाँ पे लिया है नायका का सुपरसाइजर वाटर प्रूफ वॉल्यूमिनाइजिंग मशकारा काफ़ी अच्छा मशकारा है ऑफ कैमरा मैंने फॉल्सलीज अप्लाई कर ली है कॉन्टोर के लिए भी मैं सेम यही पैलेट ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का टू भी ऑनर्स मुझे कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बट स्टिल मैंने थोड़ी कर ली है उसके बाद ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये फेसेस कनाडा का अल्टीम प्रो फेस पैलेट इसमें आपको ब्लशर हाइलाइटर और ब्रॉन्जर तीनों मिल जाएंगे काफ़ी अच्छा पैलेट है आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं उसके बाद मेकअप को सेट करने के लिए फ़िक्स करने के लिए मैंने लिया है स्विस्ट ब्यूटी का मेकअप फिक्सर और काफ़ी डिसेंट अच्छा फिक्सर है बट इसकी फ्रेग्रेंस मुझे पसंद नहीं है और उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे लिया मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर एंड बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हाइलाइटर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है इनर कॉर्नर एंड ब्रॉ बोन पर भी अप्लाई किया है लिप लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पैक का लिप लाइनर इन दी शेड प्लस और ये बहुत ही अच्छा लिप लाइनर है लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड बाइल्ड का गिव मी मोका शेड एंड बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है यही है मेरा दिवाली मेकअप लुक आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगा हो अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स और मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साइड में रेड कलर के छोटे से बेलाइकन को भी हिट कर देना जिससे कि आपको हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू तो टाइम तो मिलते रहेंगे आप उससे मिस नहीं हो पाएंगे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर एंड बाय 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 गाइस